खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मेरे मित्र चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। दिन है 14 मार्च 2022। चुनावी नतीजे आ चुके हैं, अब इसके बाद हारने वाले प्रत्याशी और जीतने वाले प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मेरठ की हॉट सीट यानी सदर विधानसभा सीट पर हार जीत के फैसले के बाद एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। बीते दिवस हारे हुए विधायक संगीत सोम ने महापंचायत की ओर कहा कि वह हारने के बाद भी 100 विधायकों के बराबर है और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भी कहा कि योगी जी का बुलडोजर और संगीत सोम का डंडा बराबर चलेगा। इसके जवाब में बीते दिवस ही सदर विधानसभा सीट पर काबिज हुए सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान ने वीडियो वायरल किया था। फिर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उनकी शिकायत है, उनका कहना है कि हार के बाद खिसिया हुए कुछ लोग गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। सलावा में भाजपाइयों ने दलितों पर हमला किया है, उनसे मारपीट की है। अतुल प्रधान ने गरीबों की मदद और मारपीट में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान। भाई हमारे सतना विधानसभा में और गरीब गुरबा लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह सलावा गांव में भाजपाइयों द्वारा दलितों के घरों पर हमले किए गए, उनके साथ मारपीट की गई, उसको लेके हम लोग एसएसपी दयाल साहब से मिले थे। अभी उन्हें पूरी जानकारी दिलाई और होली पे पूरी व्यवस्था पुख्ता करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि व्यवस्था पूरी पुख्ता की जाए और गरीब लोगों को संरक्षण दिया जाए। और एसएसपी साहब यहाँ पर मौके पर नहीं है, अभी एसएसपी साहब से बात हुई थी तो हमने उनसे यही कहा कि होली नज़दीक है, जो गरीब गुरबा वहाँ परिवार हैं उनका संरक्षण कानून रूप से दिया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जाए।